जी सत श्री अकाल जी सारे दे की हाल चाल जी। तो भाई अब जा रहे हैं जी थोड़ा घूमने फिरने। सीन ऐसा है कि हम लोगों को निकलवाने दो प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट निकलवा लें उसके बाद फिर घूमने फिरने जाना है तो आपको कुछ ना कुछ दिखाएंगे। शाम का टाइम है, बादल काफ़ी हो रखा है लेकिन बारिश नहीं होगी, ये चेक कर लिया पहले ही क्योंकि एक दिन पहले भीग चुके हैं, बुखार भी करवा लिया था। तो अब सीन ऐसा नहीं है, अब सीन थोड़ा सही है, काम 25 भी है। हाँ जी भाई लो, तो ठंड हो रखी है इधर क्योंकि हवा चल रही है, सेफ्टी ज़रूरी है। तो जी प्रिंट निकलवाने थे वो निकलवा लिए, तो 10 रुपये यानी 10 सेंट, 10 सेंट का एक पेज निकलता है जी यहाँ, तो हमें जी दो निकलवाने थे, 20 लगा लिए निकल आए। तो जी ये इवनिंग टाइम का माहौल इधर का, ये बीच साइड है, आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं इधर। ये बीच साइड कह तो नहीं सकते, समुंदर की एक साइड है, तो इधर बैठ के आप चिल कर सकते हैं। बच्चे भी खेल रहे हैं रात के टाइम भी, और चिड़ियाँ चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। बड़ा अच्छा मौसम है, व्यू बड़ा मस्त है। वो जी इधर काफ़ी रोशनी है और इस पेड़ में चिड़ियाँ बैठी हैं, ये कुछ आवाज़ इसमें से कुछ ज़्यादा ही आ रही है। इधर के सीन काफ़ी अच्छे हैं, वो चुपचाप बैठे अपने, ये बेचारे यहीं बैठे ही रहते हैं, इनको कोई काम दाम है नहीं, वेले हैं, खाली बिठा रखा है इनको। सीन काफ़ी अच्छा है क्योंकि इधर प्रेमी जोड़े बैठे हैं इस टाइम रात के टाइम, सब आपका भाई अकेला आप भाई लोगों के साथ। ठंड ज़्यादा है इसलिए भाई ये कान कून ढक लिए गए हैं, क्योंकि दिक्कत ये है कि रिस्क नहीं ले सकते ना ठंड वाला, बच के रहना पड़ता है। यहाँ कौन सा भाई अपना मम्मी पापा जो केयर कर लेंगे, खुद ही है ना, तो ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। तो भाई लोग अपना आ गया जी कोल्ड शू माउंट, ठीक है जी, तो इसको खोल के देखते हैं कैसा है, क्योंकि जी जो डेडिकेट माइक आ रहा है ना अपना, गन शॉट माइक, शॉट गन माइक ही होता है, गन शॉट माइक नहीं, ये शॉट गन माइक आ रहा है ना अपना भाई, वो इसी के ऊपर लगेगा। तो देखें आप इसकी अनबॉक्सिंग, ये है जी अपना कोल्ड शू माउंट, देखते हैं इसको खोल के भी। काफी भारी है जी, तो ये ऐसे खुलता है तो बड़ा हो जाता है, ये सीन है, ये ऐसे खींचने वाला नहीं है जी। लगा के देखते हैं इसमें मोबाइल, ये मेरा छोटा है तो इसको टाइट करना पड़ेगा, तो ये परफेक्ट काम है, ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो जी ये तो आ गया है, अब रह गई जरूरत गनशॉट माइक की, वो देखते हैं कब तक आता है, वेट है जी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर बनेगी जी प्रोफेशनल वाली, दिखाया करेंगे ना जाते जाते लोगों को। हाँ जी है हमारे पास शॉट गन माइक भी है। तो भाई ये ऐसा है, देख लो पीछे से, बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत है जी भाई, मेरे को तो नहीं लग रहा कि ये जल्दी टूटेगा, जैसे कि मेरी पहली वाली चीज़ें टूट गई थी ना, ये सही कर लें, उठे रहते हैं बाद, तो अब ये नहीं टूटने वाला जहाँ तक मेरे को लगता है, जिस हिसाब से मेरी संभाल है, बाकी भाई देखते हैं। और ये ऊपर से ऐसे खुलता है, अभी घूम क्यों रहा है, इसको ढीला कर दो, निकाल दो। हाँ जी भाई लोग क्या हाल चाल, तो ये है जी अगला दिन, वो था पिछला दिन, तो आज गए थे यूनी, यूनी से आ गए, भूख लगी थी, जहाज़ देख लो पहले, ये जा रहा है जी यार,
जा रहे हैं अब कुछ खाने के लिए लेने, क्योंकि जी बना रहे थे असाइनमेंट थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया है, थोड़ा सा कि हो ही गया है, ठीक है। और बात है एक और, एक होता है वाइट कार्ड, ठीक है, वो अप्लाई करना होता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, अगर आपको कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो उसके बारे में थोड़ा बताना था आप लोगों को। तो उसकी वेबसाइटें वगैरह हैं, वेबसाइटें हैं तो उसका जी ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है, यानी कि एक उसकी पीडीएफ फाइल होती है और एक साइड में क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से पढ़ के आंसर देने होते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कितने दिन में मर्जी करो, ठीक है। 134 क्वेश्चन होते हैं, 134 हैं कि 124 हैं, ठीक है, वो मेरे को पूरा श्योर नहीं है। आप इंडिया से भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी, आप किसी अपने मिलने वाले का भी नंबर डाल सकते हो उस पर। तो अब इंडिया में हो तो ट्राई कर लो, अप्लाई कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है, कर लो तो ज़्यादा बेटर है, फ़ायदा हो जाएगा ना, कंस्ट्रक्शन वर्क में पैसा ज़्यादा मिलता। तो मैं वही कर रहा था, भूख लग गई ज़्यादा, अब जा रही हंगरी जैक्स कुछ ले आए हैं खाने के लिए, कुछ ही ले आए हैं, हंगरी जैक्स चल रहा है, तो भूख ज़्यादा लगी है, खा ले फिर मिलते हैं, अभी थोड़ा असाइनमेंट का भी बचा हुआ है वो भी कर ले, बाय बाय। हाँ जी भाई लोग, अगली रात है, ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है इसका कुछ करने का, ना एडिट करने का, ना इसको पोस्ट करने का। तो एक चीज़ और आ गई अपनी, ये शायद फ़ोन का कवर होगा, क्योंकि वैसे ही लग रहा है कि मैंने फ़ोन का कवर मंगाया था। ओपन कर लेते हैं इसको भी, अनबॉक्स कर लेते हैं, पीछे सामान पड़ा हुआ देख लो आप, खोल लें इसको। बहुत जोर लगाना पड़ता है, ये कवर है, रबर टाइप का कवर है जी, आईफोन अपने मंगवाया है इस आईफोन के लिए, ऑरेंज कलर, क्योंकि आप लोग जानते हो ऑरेंज कलर आपके भाई का फेवरेट है, तो इसलिए मंगाया। अभी डाल के देखते हैं कैसा लगता है इस पर। ये जो पहला वाला मेरा कवर है ये हार्ड शेल कवर है, ये बैंड नहीं होता ऐसे कुछ भी, ये वाला बैंड होता है आराम से, लेकिन ये कि मेरे को ये सॉफ्ट वाला चाहिए था, तो अभी डाल के देखते हैं। ठीक है, अब बेटर लगता है, क्योंकि मेरे को ये सही लगता है, वो कुछ ज़्यादा ही, ये देखो गंदा सा हो गया है, पुराना सा हो गया, ये सही है। बस अब इंजॉय करते हैं इसी कवर को। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो आज वीडियो ख़त्म करके पोस्ट करनी है। भाई बात ऐसी है कि काफ़ी लोग अब मेरे से कह रहे हैं, जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट करी थी वो जो GSC ब्लॉग के साथ भाई के साथ, कि हमें भी शाउट आउट दे दो या प्रमोट कर दो। तो भाई कोई चक्कर नहीं है जी, खुले दिल से स्वागत है जी, आप लोग भाई हो हमारे, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, बैठे हैं जी सबके लिए भाई, सबकी हेल्प करने के लिए जितना हो पाएगा जी करेंगे भाई, जितनों को प्रमोट कर पाएंगे कर लेंगे जी, कोई चक्कर नहीं इतना। लेकिन ये कि भाई कंटेंट अच्छा हो आपका, कभी मना नहीं करेंगे जी, ये ना हो कि आपका कंटेंट थोड़ा वैसा हो कि बाद में मैं प्रमोट कर दूं लोग मेरे को गालियां दें कि तू कैसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि भाई आपने देखा मैं कभी अपनी वीडियो में गलत चीज़ डालता नहीं हूँ, ठीक है, जहाँ पर कोई भी अब्यूजिंग वर्ड भी होता है तो मैं म्यूट कर देता हूँ। कई बार एक दो बार हुआ है मेरे से, मेरे को पता है, लेकिन अब मेरे को पता है कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब मेरे को आप भी देखते होंगे काफ़ी लड़कियों के भी कमेंट आते हैं और एज्ड पीपल के भी कमेंट आते हैं, देखते हैं आपके भाई की वीडियो देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा एज के भी बंदे देखते हैं, तो जी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बंदे की कि हाँ सबके लिए अच्छा कॉन्टेंट बने, कोई गलत ना हो चीज़ उसमें और ना गलत चीज़ प्रमोट करें। तो इसलिए भाई जब भी होता है मैं नॉर्मली रहता हूँ, तो कोई भी गलत चीज़ आता भी नहीं हो ना मैं प्रमोट करता हूँ। और अगर व्यूज़ वाली बात है तो एक वीडियो मैंने और पोस्ट की थी वो वाली आई बॉट अ डिफरेंट वो यूनिक थिंग वाली, तो मेरे को ये भी कमेंट आया क्लिक बेट कर रहा है, भाई क्लिक बेट करना होगा ना, क्लब में जाके वीडियो बना लेंगे, वो व्यूज़ आते हैं, देखते हो ना थाईलैंड वाली वीडियोज़, थाईलैंड यहाँ पे वहाँ पे, तो थंबनेल में लड़कियाँ होती हैं, तो भाई ऐसा काम हमारा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम दिखा रहे जी एक स्टूडेंट की लाइफ, जो स्टूडेंट की लाइफ में होता है, ठीक है, स्टूडेंट की लाइफ में क्लब लाइफ भी होती है, क्लब में भी जाते लोग,
जाओ आ जाओ, वीडियो शूट करके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि बंदा ये चीज़ें कर पाए, ठीक है। तो क्लिक बेट अपन लोग नहीं करते, क्लिक बेट करना होगा तो भाई ऐसी चीज़ों पे करेंगे, लड़की थंबनेल में आएगी, ठीक है। क्योंकि वो मैं नाइट लाइफ वाली वीडियो अपलोड करी, वो लड़की थी उसमें, तो एकदम से भाई बूस्ट हुई, 40,000 के समथिंग उसमें व्यूज़ है, ठीक है। अब मेरे से लोग कह रहे हैं कि वो तेरी हाइस्ट व्यूज़ वाली वीडियो, ना भाई ना, चेक कर लो, सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं अपनी 1 मंथ एक्सपीरियंस वाली वीडियो पे, तो उस पर शायद 76,000-77,000 हो गए हैं। तो भाई क्लिक बेट करना होगा ऐसे ही करेंगे, ठीक है। क्लिक बेट करने के भी तरीके आते हैं, जब करना होगा तो भाई बता के करेंगे, क्योंकि पब्लिक जानती है, सबको पता लग जाता है, ठीक है। और प्रमोट वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया, खुले दिल से प्रमोट करेंगे। और एक चीज़ और है कि अभी थोड़ा ना बिजी शेड्यूल है, थोड़ा नहीं जी, काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, क्योंकि आपने देखा 3 दिन में मेरी एक वीडियो हो रही है कंप्लीट, तो कमेंट के अभी रिप्लाई नहीं आ पा रहे हैं, सॉरी उसके लिए, क्योंकि भाई थोड़ी एग्जाम्स की तैयारी चल रही है और थोड़ा काम में भी बिजी है, तो उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। आपने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को जो GSC व्लॉग ने बना के दिए, थैंक यू जी उसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई थोड़ा सा ना डिस्क्लेमर देना है कि जो आगे वीडियो है अपने रिस्क पे देखें, मेरे को गलत कमेंट ना करें इसके बाद, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हो जाने हैं, क्योंकि एक भाई को देना है रिप्लाई, बाकी मेरे भाई लोग उस बंदे को रिप्लाई तो दे देते हैं, कोई चक्कर नहीं, लेकिन ना वीडियो के थ्रू दे दो तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि वो कमेंट करने के बाद जब उसको कोई रिप्लाई जाता है वो डिलीट कर देता, नाम नहीं बता सकते ना ऐसे, नाम बता भी देंगे तो क्या कर लेगा वो, नाम है जी उसका, वो कमेंट करता है A और S, दो सिंपल उसके अक्षर हैं, तो उसने स्टूडेंट्स के लिए कहा था तो इसलिए रिप्लाई दे दिया है उसको। लेकिन आगे जो वीडियो अपने रिस्क पे देखना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बाबा, ठीक है। अब मेरे को ना कमेंट आएंगे कि 4 सब्सक्राइबर हो गए तो नखरे दिखा रहा है, मतलब अपनी ना बना रहा है टॉर्क कि मेरे को प्रमोट कर दो, मेरे को प्रमोट कर दो, लोगों के थ्रू आएंगे मेरे को पता, ठीक है, कोई नहीं। बाकी थैंक यू सबका 10,000 सब्सक्राइबर के लिए, 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए अपने जी, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएंगे, ये तो पता था कि हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएंगे। बाकी पता है निगेटिव कमेंट आने वाले नीचे, खुले दिल से स्वागत है सबका, करो जी कमेंट करो। हाँ एक चीज़ और मैंने बतानी है जी, एक बंदा है वो हर बार कमेंट करता कि वहाँ पे जाके टैक्सी चलानी है, लेबरी करनी है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो भाई उसके लिए जवाब सुन लो, उसको मैंने कमेंट में रिप्लाई किया था, एक और भाई ने उसको फिंगर दिखाई थी, तो वो भाई ने कमेंट डिलीट कर दिए, तो भाई वो वीडियो तो देखता है हमारी, उसके लिए थैंक यू, डिसलाइक भी मारता है उसके लिए भी थैंक यू, कमेंट भी करता है इसके लिए भी थैंक यू, ठीक है। अब भाई हमारा जवाब ये है कि सुनो, अगर भैया तुम में इतनी तड़ है तो आ जाओ यहाँ पे, तुम कहते ना कि वहाँ लेबरी करोगे, PR लोगे, दैट्स इट, तो भाई अगर है इतना कुछ, इतना पैसा लगा के आओ और फिर स्टडी भी करो, ठीक है, और गाड़ी भी लो और घर वालों को भी ऐश करवाओ, तो तुम्हें माने जो तुम कमेंट करते हो, और PR लेके भी दिखा दो, भाई जो इतना कुछ कर लेता है ना उसको सैल्यूट है, ठीक है ना। मोबाइल है तेरे पास तू कमेंट कर देता है, ठीक है तेरा अच्छा है, लेकिन ये भी सोच लिया कर कि बहुत सारे लोग तेरे को देखते हैं वहां पे, ठीक है ना बेटे, तो निगेटिव कमेंट करो, ठीक ठाक करो। और तूने उस भाई की शक्ल के लिए कहा था कि तेरा थोबड़ा ही ऐसा है कि तेरे को तेरा इंटरव्यू तो आना था, ठीक है, और तेरे को वीज़ा दे किसने दिया ऑस्ट्रेलिया का, तो भाई थोबड़ा तो ऊपर वाले की देना, किसी का अच्छा तो किसी का वैसा, ठीक है, तो किसी को भाई शक्ल से जज नहीं करते बेटे, भाई के 6.5 बैंड है और मेरे 6 हैं, ठीक है ना, तो शक्ल पे नहीं जाते बच्चे, 6.5 बैंड लेने में ना धुआं निकल जाता है, लेके दिखा दे, जिस दिन आ जाए ना तेरे 6.5 बैंड उस दिन बात कर लियो।